Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ, once again with you with the initiation of vocabulary from the Hindu. आइए शुरू करते हैं. आज की अपनी जो बात है वो आपके एडिटोरियल वाले सेक्शन पे ही जाएगी और उसी में हम लोग जो आपकी डिफिकल्ट वोकेबलरी हो सकती थी उसको लेके हम लोग फोकस करने वाले हैं. देखिएगा आज अपने पास आर्टिकल कौन सा है, दिस वन. आज हमारे पास में द हिंदू में जो आर्टिकल आए थे उसमें दो आपके पास में आपको एडिटोरियल देखने को मिलेंगे और उसमें भी मुझे जो लगा कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठीक हो सकता है, इसमें डिफिकल्ट वोकैबुलरी हमें देखने को मिल सकती है, उस वाले आर्टिकल को मैंने आपके लिए पिक किया है. आइए देखते हैं. देयर इज अ वर्ड फ्रोस्टिटाइज. अब आप लोग बोलेंगे सर फ्रोस्टिटाइज व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फ्रोस्टी. आप लोग जो वर्ड देखोगे यहाँ पर जो फ्रोस्टी वर्ड यहाँ पर बना हुआ है उसका मतलब होता है कोई चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, जमा देते हैं, ठीक है. और उसी से हम लोग एक और वर्ड बनाते हैं फ्रॉस्ट, ठीक है. फ्रॉस्ट का मतलब भी सेम टू सेम फ्रीज करने के सेंस में ज्यादा था. अब फ्रॉस्टी टाइज, टाइज मतलब जहां अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये जो टाइज यहाँ पर हो रहे हैं ये वर्ड आपके पास में रिप्रेजेंट करेगा बेटा किसको, रिलेशन को, ठीक है. अब जो टाइज है आपके रिलेशन है वो जम गए हैं, नहीं कभी ऐसा नहीं कर सकते हम लोग. इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके पास में कहीं ना कहीं इडियोमेटिक वे में आपके पास में मीनिंग कन्वे करने का कोशिश किया जा रहा है. आपके पास में फ्रोस्टी टाइज की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो दो देशों के बीच में जो रिलेशन है उनके ऊपर एक आर्टिकल था तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो आपके पास में फ्रोस्टी टाइज हैं जो आपके रिलेशंस थे उसकी बात हो रही है, ठीक है. मैं समझाता हूँ एक बार. आपके पास में जो आपके रिलेशंस थे वो कैसे होते जा रहे हैं, अनफ्रेंडली होते जा रहे हैं. वो कैसे होते जा रहे हैं बेटा, अनफ्रेंडली होते जा रहे हैं. यानी कि आपके जो रिलेशन पहले रहते थे इन द पास्ट तो वो अब वैसे नहीं रहे, अब थोड़े से वो कह सकते हैं हम लोग कोल्ड हो गए. कोल्ड से ये मतलब नहीं है कि ठंडे हो गए, मतलब आपका जो व्यवहार है वो शांत हो गया है, अब आपको मतलब नहीं है. और आपको है भी तो आप उसमें फ्रेंडली वे में बात नहीं करते, आप अनफ्रेंडली वे में बात करते हो किससे, तो आपके जो टाइज हैं वो फ्रोस्टी हो चुके हैं. इसको ऐसे समझो आपके पास में दो दोस्त हैं, दो दोस्तों में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है, दोनों मस्त एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, ऐसा वाला सीन है उनका, मतलब इतने अच्छे दोस्त थे वो, ठीक है. लेकिन किसी एक की वजह से उनके बीच में दरार आ गई, अब वो दोनों एक दूसरे की हर बात को अपोज करने लग गए, ठीक है. तो जो दोनों पहले एक थे अब वो अलग अलग हो गए. अब हम कहें कि उनका जो टाई था, उनका जो रिलेशन था वो कैसा हो गया, फ्रोस्टी हो गया. फ्रोस्टर मतलब हम लोग कह सकते हैं अनफ्रेंडली हो गया. वो कहीं ना कहीं दोनों एग्जिस्ट करते हैं लेकिन अनफ्रेंडली वे में और कोल्ड वे में, ठीक है. और उनका जो रिलेशन है वो पूरा का पूरा बिगड़ गया है. तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही कंडीशन है. अब ये जो फ्रोस्टी टाइज थे वो किन किन के बीच की बात हो रही है अब समझें. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया एंड कनाडा. जो इंडिया और कनाडा दो अपने पास था, हम लोग बात करें दो देशों की बात हो रही है, इंडिया और कनाडा, ठीक है. ऑर्डिनरी पीपल विल सफर एज इंडिया एंड कनाडा कट डाउन वीजा सर्विसेज. उन्होंने वीजा सर्विसेज जो थी उसको कट डाउन कर दिया है, उसको शॉर्ट कर दिया है. अगर हो भी रहा है तो बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान होना पड़ रहा है तब जाके उनको वीजा सर्विसेज अवेल हो पा रही है, नहीं तो नहीं हो पा रही है, ठीक है. तो वीजा सर्विसेज बिल्कुल बंद कर दी गई हैं. इसी के ऊपर इंडिया और कनाडा के रिलेशन के ऊपर अभी थोड़ा सा चल रहा है. आपको याद हो कुछ टाइम पहले जो खालिस्तानी सपोर्टर थे उन्होंने उनका कुछ दिक्कत हो गया था, उसी के ऊपर ये चीज निकल के आई है. अब चलो समझ, ठीक है. इंडिया एंड कनाडा आर हेडेड, हेडेड मतलब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसकी बात हो रही है. फॉर एन इवन फ्रोस्टियर, फ्रोस्टियर अब आप यहाँ पर देखोगे ई आर लग के आया है, ठीक है. जब भी अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं किसी वर्ड में आपके पास में ई आर लग जाता है, ठीक है. कहीं पर आपके पास में आई ई आर आपको देखने को मिलता है, ठीक है. कहीं पर आपको देखने को मिल जाता है मोर, ठीक है. इस तरह से आपको या फिर कहीं पर आपको वर्ड देखने को मिल जाए लेस, तो ये सारे के सारे जो वर्ड होते हैं ये हमारे पास में एक डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमारे पास में होती है कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री दो चीज़ों के बीच में क्या करते हैं, कंपैरिजन दिखाती है और उसमें हम लोग किसी को एक ज़्यादा और किसी को एक कम हम लोग दिखाने का कोशिश करते हैं, ये आपके पास कंपैरेटिव डिग्री होता है. तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर मतलब पहले के कंपैरिजन में अभी ज़्यादा खराब हो गए हैं, ये उनका कहना था. इस बात को लेकर वो कंपैरिजन कर रहे हैं. आपको अगर कभी डिग्री का देखने को मिले ना तो आप ये देखना कि लेस ई आर, आई ई आर या फिर मोर अगर किसी एडजेक्टिव के पहले लगा हुआ है, उसके साथ लगा हुआ है, तो उसका मतलब है वो सिंपली कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल है, ठीक है. तीन तरह का डिग्री होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. सुपरलेटिव दैट मीन्स द सुपीरियर वन, ठीक है. और पॉजिटिव मतलब आपके पास जो इंडिविजुअल क्वालिटी बताएगा वो आपके पास पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा, ठीक है. तो फर्स्ट ईयर सीजन
इंटाइस आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं MEA, MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है. लेटेस्ट मूव टू पे डाउन, अब यहाँ पर आया है पेर, देयर इज अ वर्ड पेर. अब आप बोलोगे कि सर पेर वर्ड क्या हुआ आपके पास में, चलो देखें इसका मीनिंग क्या होगा. पेर का मतलब होता है किसी को छील देना, काट देना, हम लोग इसका मीनिंग देखें. लेकिन उससे पहले हम लोग प्रोस्टी का देखेंगे. सबसे मेन चीज़ हमारा वोकैब के ऊपर होना है, डिस्कशन अपना एड्रोल के ऊपर भी होता रहेगा, साथ के साथ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें भी अपन करेंगे, लेकिन सबसे मेन चीज़ अपने पास वोकैब का सेशन है, ठीक है भाई. वोकैब का अगर हम लोग देखें तो आपके पास फर्स्ट वर्ड आया था फ्रॉस्टी. फ्रॉस्टी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कोई ठंडा, ठीक है, जिसमें पाला पड़ जाता है, ठीक है, वेरी कोल्ड. और विथ फ्रॉस्ट, जिसमें बर्फ़ जम जाती है, ठीक है, ये आपके पास में आइस को लेकर रिप्रेजेंट करने वाला एक वर्ड है, ठीक है. समथिंग दैट इज आइसी, फ्रोजन, चिली, ग्लेशियल, आर्कटिक, क्लिड, ये सारे के सारे इसी के सिमिलर वर्ड है. लेकिन यहाँ पर आपको बताया मैंने हमेशा आप लोग से कहा ना भाई कि इंग्लिश में कभी भी एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं कहीं होता, सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ड्स के मल्टीपल मीनिंग कन्वे हो सकते हैं, ठीक ठीक भाई, बोलना यार, कन्फर्म हो गया. आपके पास में एक वर्ड का एक मीनिंग कभी नहीं होगा. आप ये सोचते हो ना कि बस इसका यही मीनिंग होगा, तो यही नहीं होगा. हमेशा क्या होता है, सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग वेरी होता है और उसी के अकॉर्डिंग अपने को मीनिंग कन्वे करना पड़ता है. आप इंग्लिश में या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में एक जगह आप स्टिक होकर रह ही नहीं सकते, रिजिड हो ही नहीं सकते, लैंग्वेज रिजिड नहीं होगी बिल्कुल भी. आपको उसके लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, कभी इधर कभी उधर चेंज करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, ठीक है. बिटर मतलब कड़वे हो चुके हैं, ठीक है. आइस्ड, होरी, कोल्ड, ये कोल्ड आपके पास में जो था वही आपके पास में अगर हम लोग देख रहे थे, समथिंग दैट इज अनफ्रेंडली, आपके पास कुछ कैसी हो गई है, कोल्ड हो गई, तो आपके पास में इसको आप एज अ अनफ्रेंडली वे में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है. ऑपोजिट देखना चाहें, कुछ चीज़ आपके पास में ऐसी क्या होती है, वार्म होती है, माइल्ड होती है, हॉट होती है, हीटेड होती है, ट्रॉपिकल होती है, प्लीजेंट होती है, मस्त होती है, मतलब शानदार वे में होती है, दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट एनी इंटरप्शन या विदाउट एनी डिस्टर्बेंस अगर कोई चीज़ होती है आपके पास में, तो हम लोग कह देंगे वो चीज़ आपके पास में ऑपोजिट होगा किसका, फ्रॉस्टी का, ठीक है बेटा. अब देखिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड, आपके पास में यहाँ पर जो वर्ड आया है पैर. अगर आप लोग कहीं पर किसी चीज़ को छीलते हो या उसका छिलका निकालते हो, जिसे आप कभी नारंगी, मौसमी, अगर इनको आप छीलते हो, पील करते हो, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं आप इनका जैसे केला वगैरह है इनका छिलका निकालते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि आप उसको क्या कर रहे हो, पैर कर रहे हो. लेकिन इस बात को समझें आप लोग कि आपके पास में यहाँ पर हम लोग अगर देखने का कोशिश करें तो सिंपली पैर वर्ड नहीं आया इधर. आप बोलोगे कि सिर्फ पैर वर्ड आया, नहीं, पैर के साथ में अगर आप देखोगे तो पैर डाउन आया है आपके पास में. पैर डाउन अगर हम लोग यहाँ पर बोलें कि पैर डाउन मतलब छील दिया, छील दिया मतलब आपने उसका कुछ पार्ट क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया. और डाउन भी अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं हम लोग इसी बात को कहेंगे कि ये आपके पास में पूरा का पूरा एक फ्रेजल वर्ब बन गया. आपके पास एक मैन वर्ब और एक प्रेपोजिशन मिला के एक फ्रेजल वर्ब बनाता है, ठीक है भाई. ये हमेशा मैंने बहुत बार बताया आप लोग को, आप प्लीज समझे इस बात को. तो आपने उसमें क्या कर दी है, कमी कर दी या फिर कटौती, हम लोग उसके लिए बोल सकते हैं कि आपने उसमें क्या किया है भैया, कटौती किया है, ठीक है भैया. और इसका ऑपोजिट देखिए पैर का, तो आपने क्या किया, उसका ग्रोथ दिलाया है उसमें, उसमें आपने क्या कर दिया है, कुछ ना कुछ इंक्रीज कर दिया है. अगर आप यहाँ पर पैर डाउन का सिंपल मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हो, इन दोनों वर्ड का सिंपल मीनिंग आप कन्वे करना चाह रहे हो, तो दैट मीन्स आप लोग ये देख लेना कि आपने उस चीज को क्या किया है बेटा, रिड्यूस किया है, कम किया है, ठीक है. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स था, उन्होंने क्या किया है, उनका जो लेटेस्ट मूव था, उनकी जो चाल थी वो ये थी कि उन्होंने क्या कर दिया, पेर डाउन किया है नंबर, जो संख्या थी वो कम कर दी है. और कैनेडियन डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेट्स जो वहां पर थे, जो राजनयिक थे, कैनेडा को जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग बाग थे इंडिया में, उनको कम कर दिया उन्होंने, 62 से कितना कर दिया उन्होंने, 21 कर दिया. अब वो कम हो गए, मतलब उसको उसमें कटौती कर दी कि नहीं, 62 कलम्बर नंबर जो है बहुत ज़्यादा है, हम इसको कम करके 21 करेंगे, ठीक है, ये उन्होंने बोल दिया. वाइल न्यू दिल्ली हैड मेड इट्स डिमांड टू इक्वलाइज द नंबर, और जो न्यू दिल्ली है उन्होंने भी इस बात को कहा था कि जितने और देशों के रिप्रेजेंटेटिव है आप भी उतने ही रखो, एक्स्ट्रा क्यों रखे हुए हैं यहाँ पर, द नंबर इन ईच अदर्स मिशंस, ठीक है, जितने भी वहां पर और भी अदर मिशन है. अब आप ये बोलोगे कि मिशन क्या होता है, अब मुझे ये बताओ आप लोग, वर्ड बहुत सिंपल सा है, बहुत बार यूज भी हुआ है, लेकिन मिशन होता क्या है, यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग क्या, हम लोग वो कहीं पर जो प्लानिंग होती है वो ले सकते हैं क्या, प्लानिंग तो हम लोग उस जगह कन्वे नहीं करेंगे ना,
ठीक है, आप लोग यहाँ पर अगर देखने की कोशिश कर रहे हो कि आपके पास में लिखा हुआ है मिशन, तो मिशन जो आपके पास में होता है वो अ ग्रुप ऑफ पीपल होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो फॉरेन कंट्री में जाके कोई स्पेशल स्पेशल टास्क होता है उसको हम परफॉर्म करते, तो उसको वो बोलते हैं मिशन। आपके पास में सेम टू सेम आप देखोगे तो उरी, उरी का जो स्ट्राइक हुआ था उसमें भी कुछ चुनिंदा लोग बाग थे वो गए थे, कुछ चुनिंदा सोल्जर थे वही गए थे और उन्होंने उस स्पेशल टास्क को परफॉर्म किया था। तो सेम टू सेम आपके पास में जो मिशन होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है, हु आर सेंट टू फॉरेन कंट्री। अगर हम लोग देखा जाए कि कहीं कहीं पर आपके पास मिशन है, तो मिशन इसका मतलब ये हो गया कि कुछ लोग छाटे, एक ग्रुप बनाया उनका और किसी दूसरी कंट्री में उसको भेज रहे हैं कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिशन, ठीक है, सिंपली। यहाँ पर आपके पास अगर आपके पास वन वर्ड में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नॉन फॉर लास्ट मंथ इन द फायरी, फायरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई इंसान कैसा होता है, गुस्से में, ठीक है, गुस्से में कोई बात कर रहा है, ये वर्ड मैंने बहुत बार आप लोग को बोला है। अब फायरी का ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो, ठीक है, ये आपका काम है, ठीक है। ऑफ द ट्रूडो गवर्नमेंट, ट्रूडो कनाडा में अगर हम लोग देखें बात करें तो वहां पर अभी ट्रूडो जस्टिन ट्रूडो जो है उन्हीं का गवर्नमेंट है, ठीक है। एलिगेशंस दैट इंडिया हैड अ रोल, उन्होंने कहा है जो ट्रूडो की गवर्नमेंट है उन्होंने ये एलिगेशन लगाए हैं, ये आरोप लगाए हैं, एलिगेशन का मतलब हम लोग यहां बोलते हैं आरोप, ठीक है, ये आरोप लगाए हैं दैट इंडिया हैड अ रोल, कि इंडिया का एक रोल था इन द किलिंग ऑफ कैनेडियन नेशनल, जो एक कोई कनाडा का कोई नेशनल नेशनल था वहां पर, वहां का कोई उस देश का कोई नागरिक था, ठीक है, एंड खालिस्तानी एक्टिविस्ट, और साथ के साथ ही वो खालिस्तानी एक्टिविस्ट भी है। अब ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको ये पता है कि खालिस्तानी एक्टिविस्ट कौन होते हैं, तो वो आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निजार, जो हरदीप सिंह निजार है जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं या फिर उनके लीडर थे, तो उनको क्या हो गया, उनका किलिंग हो गया, उनको मार दिया गया, उनको जान से समाप्त कर दिया गया, ठीक है, सर उनको ऐसे खत्म कर दिया, ठीक है। निजार मैटर्स वर थॉट टू हैव कूल डाउन, उसके बाद लोगों ने सोचा कि ये जो मामला था थोड़ा शांत हो जाएगा। इट हैड इवन बीन होप्ड दैट क्वाइट डिप्लोमेसी वॉज एट वर्क टू रिपेयर टाइज, और उसके क्या बोल रहे थे कि जो डिप्लोमेसी आपके पास में जो कूटनीति होती है, जो दो देशों के बीच में जो टाइज होते हैं वो क्या हो जाएंगे कि वो ठीक हो जाएंगे, वो उसकी वजह से रिपेयर हो जाएगा। बट हाउएवर फिर भी क्या हुआ, कनाडा कंटिन्यूज टू होल्ड, कनाडा ने क्या किया, बस इसी बात का रट लगाता रहा, और विदाउट प्रोफरिंग, प्रोफरिंग मतलब अगर हम लोग कहना चाहें, आप देखें जरा क्या मीनिंग होगा इसका, एक वर्ड आया यहाँ पर खतरनाक सा, प्रोफरिंग, कहाँ गया कहाँ गया, प्रॉफरिंग की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई चीज आप लोग क्या करते हो, ग्रांट करते हो, ठीक है, आप लोग वहां पर क्या करवाते हो, प्रोवाइड करवाते हो समथिंग दैट यू ऑफर और प्रोवाइड, कोई चीज को आप क्या कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो, प्रोवाइड करवा रहे हो, ग्रांट कर रहे हो, यहाँ पर वर्ड आया ना ग्रांट, मतलब कोई चीज को आप क्या कर रहे हो, प्रोवाइड करवा रहे हो, गिव कर रहे हो, तो वो नहीं हुआ, उन्होंने कोई भी वहां पर प्रूफ नहीं दिया, ठीक है। प्रॉफरिंग मतलब कोई चीज को आप लोग क्या करते हो, प्रोवाइड करवा रहे हो, और उसी का ऑपोजिट क्या करते हो, आप लोग वहां पर क्या कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब उन्होंने सच में वहां पर किया क्या है, रिफ्यूज ही किया था, ये ऑपोजिट हो जाएंगे, उन्होंने खुद के पास ही वो रखा, कंसील किया, कंसील का मतलब होता है हाइड करना, ठीक है, सिक्योर कर रखा, डिनाई कर दिया, उन्होंने मना कर दिया साफ साफ उस चीज से, ठीक है। तो ये आपके पास सिमिलर वर्ड हो जाएंगे प्रॉफरिंग के, और ये ऑपोजिट वर्ड हो जाएगी। आओ चलो वापस से हम लोग चलते हैं उसमें फटाफट से, क्या बोला, विदाउट प्रॉफरिंग, विदाउट ग्रांटिंग एनीथिंग, कोई प्रूफ नहीं दिया, एनी फर्दर प्रूफ, उन्होंने कोई फर्दर प्रूफ दिया ही नहीं उस चीज को लेके, बोला ही नहीं कुछ भी कि भाई हमें इस चीज से ये पता पड़ा है कि भाई इंडिया का इसमें रोल था, ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने, बस एलिगेशंस लगा दे कि हाँ मुंह से बोल दिया इसने ऐसा किया है, कैसे पता पड़ेगा भैया। जब हम लोग बात करते हैं अभी यहाँ पर जस्टिस का या फिर कहीं पर कोर्ट वगैरह का बात करते हैं, तो वहां पर हर जगह एविडेंस ही होता है, विदाउट एविडेंस आप किसी के ऊपर कैसे एलिगेशंस लगा सकते हो, ये चीज साफ साफ सब लोग कह रहे हैं इस बात को लेके, दैट इंडिया मस्ट कोऑपरेट, ठीक है, मान लिया कि इंडिया को कॉपरेट करना चाहिए इट्स इन्वेस्टिगेशन, लेकिन आप उसके लिए प्रूफ तो दो, अगेंस्ट अननेम्ड इंडियन ऑफिशियल्स, कि बहुत सारे इंडियन ऑफिशियल्स ऐसे थे जिन्होंने उनके किलिंग में पार्टिसिपेट किया था, या फिर हो सकते हैं उनका एक वाइडर लोड रहा होगा, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। अब इंडिया सपोर्ट करे तो किस बेसिस पे करे, वेल इंडिया इज स्टैंडिंग बाई मेजर्स इट हैज टेकन इन रेप्रिजल, रेप्रिजल की अगर हम लोग बात करना चाहें तो कोई चीज के लिए क्या कर दिया जाए, मना कर दिया जाए,
रेप्रेजल को अगर हम लोग कहें तो कोई चीज के लिए हम लोग क्या कर दे, अपोज कर रहे हैं, कहा गया रे उस चीज का क्या कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, या फिर उस चीज का क्या करना चाह रहे हैं, वो बदला लेना चाह रहे हैं, रिवेंज करना चाह रहे हैं। अगर इसका सिंपली अगर हम लोग मीनिंग लेना चाहें तो एक सब जो सिंपल मीनिंग कन्वे होता है वो होता है सेटबैक, किसी के लिए पीछे हट जाना, मना कर देना, डिनाई करना भी इसका एक हम लोग मीनिंग कन्वे करते हैं, ठीक है उस जगह। लेकिन इसका एक मीनिंग और जो होता है वो क्या निकल के आता है, काउंटर अटैक करना है, किसी के ऊपर आप लोग बदला ले रहे हो, काउंटर अटैक करते हो, आपके ऊपर किसी ने हमला किया, आपको एक थप्पड़ मारा, आपने दोबारा से उसको खींच के थप्पड़ मारा, तो यही चीज आपके पास में क्या हो गया, रेप्रेजल हो जाएगा। रेप्रेजल अब देखो, इनको किसी ने कुछ बोल दिया, अब भाई साहब ये भी वैसा का वैसा ही करेंगे, ठीक है होता है ना ऐसा, देखा होगा भैया आपने, ठीक है। तो आपके पास में रिक्विटल आपके पास हो गया, रिटोर्टेड वैसा के वैसा, रिटेलिएशन एक वर्ड बहुत यूज होता है हम लोग कंट्रीज के बीच में देखते हैं, तो कंट्रीज आपस में ऐसे बदला नहीं लेती, वो ये वर्ड यूज नहीं करते, वो यूज करते हैं रिटेलिएशन, ठीक है। वेंजेंस, वेंजेंस का मतलब भी क्या होता है, बदला लेना, ठीक है, रिवेंज लेना। रेट्रीब्यूशन वहां पर हो गया, पेबैक हो गया, उसी का ये जो मेरे को मिला वही तेरे को मिलेगा, ठीक है वो चीज। ऑपोजिट क्या होगा, आपने उसको छोड़ दिया, फॉरगिव कर दिया, पार्डन कर दिया, मर्सी दिखाया, उसको कंपेशन किया है। लीनियंसी वहां पर आपने दिखाया, ग्रेस हो गया, एमनेस्टी वहां पर आप दिखा रहे हो, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट होंगे किसके, रेप्रेजल के, आओ चले, सॉरी रेप्रेजल के, आओ चले वापस से हम लोग बढ़ते हैं वहीं पे, ठीक है। वेल इंडिया इज स्टैंडिंग माय मेजर्स इट हैज टेकन इन रेप्रेजल, और क्या कह रहे हैं कि जितने भी ये अभी सारे के सारे जो चीजें इंडिया कर रहा है वो सिर्फ किसके किस में आके कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर रिवेंज के फॉर्म में कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बदला ले रहा है इस चीज का, ठीक है। लास्ट मंथ आफ्टर द टिट फॉर टेट एक्सपल्शंस, उनका जो बिहेवियर था या एक्सपल्शन था, एक्सपल्शन क्या होता है पहले वो भी समझे हम लोग, ठीक है, क्योंकि वर्ड आया आपके पास में एक्सपल्शन, ठीक है। एक्सपल्शन का मतलब किसी को आप लोग क्या करते हो, बहिष्कार कर देते हो, त्याग कर देते हो। द एक्ट ऑफ मेकिंग समबडी लीव अ प्लेस और एन इंस्टीट्यूशन, तो सेम टू सेम एक्सपल्शन क्या हुआ, एक्स मतलब ही आउट होता है, आपके पास में कहीं पर ये वर्ड कहीं पर लग जाए तो इसका मतलब होता है आउट, ठीक है। एक्सटर्नल आउट ऑफ द थिंग, ठीक है, इंटरनल इनसाइड द थिंग, ठीक है। तो हम लोग वहां पर जब यूज कर रहे हैं एक्स, तो एक्स का मतलब क्या हो गया, आउट हो गया, ठीक है, इजेक्शन हो गया, किसी को बैनिश कर रहे हैं, ऑस्टर कर रहे हैं, एविक्शन कर रहे हैं, किसी का रिमूवल कर रहे हैं, सबसे मेन चीज रिमूवल। क्योंकि अभी लेटेस्ट में तो क्या हुआ है, जो इंडिया और कनाडा का इशू हुआ उसमें रिमूवल ही हुआ है, किनका, डिप्लोमेट्स का, कौन से, कनाडा वाले जो थे उनको हटाया वहां से, उनको कम कर दिया, उनको निकाल दिया है यहां इंडिया से, एक्सक्लूजन हुआ है उनका, डिबारमेंट हुआ है। तो ये सारे के सारे आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अब ऑपोजिट क्या होगा, एंट्री लेंगे उसका, एडमिशन होगा, इंक्लूजन होगा, रिटेंशन होगा वहां पर, वेलकम करेंगे, वेलकम नहीं किया पर उनको निकाला है तो रिमूवल किया है, तो एक्सप्लेशन। आओ वापिस लें, तो टिट फॉर टेट एक्सपल्शन, और ये बदला लेने के हिसाब से, जैसे को तैसा, ये आपके पास में एक idiom होता है, जैसे को तैसा, आपने सेम चीज उसके साथ करी है, सेम चीज आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, या आप सिमिलर वे में कोई चीज करते हो, इन अ सिमिलर वे, सिमिलर मैनर, हम लोग यहां पर वर्ड यूज कर सकते हैं, सिमिलर मैनर में आप वहां पर कोई चीज कर रहे हो, आपने सिमिलर वे में वो चीज रिमूवल किया है, क्योंकि अब इंडिया ने किया है तो वैसा का वैसा ही कौन करेगा, कनाडा भी करेगा, ठीक है, तो जस्टिन ट्रूडो का गवर्नमेंट है वो भी ऐसा कैसा करेगा, ठीक है। ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिप्लोमेट्स, दोनों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स साथ में ऐसा किया। फ्रॉम सिक्योरिटी एजेंसीज, द मोदी गवर्नमेंट सस्पेंडेड वीजास, उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया, सस्पेंड कर दिए, बंद कर दिए वीजा फॉर ऑल द कैनेडियंस, जितने भी कैनेडियंस थे उनको वीजा देने से मना कर दिया कि आपको इंडिया में आने का अलाउंस नहीं है, आप यहाँ पर आप आओगे तो आपको अलाउ नहीं है, आपको यहाँ से मना कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा करके उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। द डिमांडेड द डाउन साइजिंग ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेट्स, यहाँ कि आप लोग वहां पर क्या करना चाह रहे हो, कट करना चाह रहे हो या फिर रिड्यूस करना चाह रहे हो, ये भी उन्होंने बोल दिया कि डाउन साइजिंग उनको कम करो, जो कनाडा के डिप्लोमेट्स इंडिया में हैं उस स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ से यहाँ पर मेरा मतलब ताकत से नहीं लिया जाएगा भैया, ठीक है, यहाँ पर आपके पास में जो स्ट्रेंथ का उन्होंने बोला है वो बोला है किसको लेके, नंबर को लेके, ठीक है। मैंने हमेशा आप लोग से एक ही बात कहता हूँ कि आपके पास इंग्लिश में कभी भी कोई ना तो रूल्स होते हैं और ना किसी चीज़ का फिक्स मीनिंग होता है, हर चीज़ चेंज होती है। स्ट्रेंथ का मतलब हम लोग ताकत लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ताकत नहीं है ना, यहाँ पर क्या हो गया, नंबर हो गया, ठीक है भैया। तो दिस वीक
इंडिया इशूड एन अल्टीमेटम. अल्टीमेटम की अगर हम लोग बात करने का कोशिश करें तो अल्टीमेटम का मतलब होता है इधर वार्निंग, ठीक है, वार्निंग की, या फिर हम लोग कह सकते हैं, कोई ये भी कह सकते हैं, बहुत सारे जो बच्चे वो ये कह पाएंगे नोटिस, किसी को आपने पहले से नोटिस दिखा है विद द डेडलाइन ऑफ अक्टूबर 31. उन्होंने बोला कि अक्टूबर 31 तक छोड़ देना इस देश को, नहीं तो हाँ फिर बुरा होगा जो भी होगा. आफ्टर विच इंडिया वुड यूनिलैटरली, यूनिलैटरली, अब यहां पर वर्ड आया है यूनिलैटरल, ठीक है, कहां गए रे, ठीक है. अब आपके पास में यहां पर वर्ड आया था, ठीक है, अब आपके पास में यहां पर वर्ड आया था यूनि. अब यूनि का अगर हम लोग बात करने का बात करें तो वन, यानी कि वो एक तरफ से क्या करेगा वहां पर, वन साइड. अगर यहां पर बायलेटरल कोई चीज होती, बाय मतलब होता है दो, ठीक है, तो आपके पास जो वर्ड आया है यहां पर यूनिलैटरली विड्रो, यूनिलैटरली मतलब खुद से, जो इंडिया है वो केवल उसी की बात कर रहा है. बायलेटरली अगर होता तो दोनों कनाडा और इंडिया दोनों का बात हो जाता, लेकिन यहां पर बोल रहे हैं कि यूनिलैटरली, तो इंडिया वुड यूनिलैटरली यानी कि खुद से क्या करेगा, वो विड्रो करेगा. विड्रो करेगा, क्या विड्रो करेगा ये भी देख लो उसमें. डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का अगर हम लोग बात करना चाहें, कोई चीज इम्यून हो जाए, हाँ अब इसको हम लोग देखना चाहें, आपकी बॉडी में भी इम्यून सिस्टम होता है. इम्यून सिस्टम आपको क्या करता है, बचाता है. किन से बचाता है, आपको किसी भी डिजीज के होने से वो रोकता है, उसकी रोकथाम के लिए उससे आपको इम्यून बनाता है. आपको एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी में ये चीज आ जाती है तो कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं कि आप इसी से इमोर्टल हो जाओगे. इमोर्टल मतलब एक तरीके से अमर हो जाओगे भैया. इमोर्टल मतलब अमर हो जाएगा. इम्यूनिटी आपको उस चीज के लिए अमरता प्रदान करती है, उससे आपको बचाती है. अब हम लोग बात करें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का, तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या होती है पहले तो ये समझो आप. डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ये होती है कि कहीं पर भी अगर किसी देश का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है और दूसरे देश में जाता है, ठीक है, और वहां जाके कोई भी राजनयिक हुआ, वो कोई भी डिप्लोमेट हुआ है, इंडिया में अभी एस जयशंकर जी हैं, वो कहीं देश में गए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके किसी को वहां पर मार दिया, उसका उसका किलिंग कर दिया, उधर मर्डर कर दिया, लेकिन तब भी ऑस्ट्रेलिया का गवर्नमेंट एस जयशंकर को गिरफ्तार नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि वो डिप्लोमेटिक पर्पज से वहां गए थे और ऐसा हुआ है तब तक जो वियना कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कोई भी किसी भी राजनयिक को गिरफ्तार नहीं कर सकता, अरेस्ट नहीं कर सकता. उनको गिरफ्तार करने के लिए इंडिया से ही कोई जाएगा, वहां का कोई भी पुलिस वाला उनको हाथ नहीं लगा सकता, उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता. ये सभी देशों के लिए सेम टू सेम. अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई डिप्लोमेट आके इंडिया में कोई किलिंग कर देता है, कोई मर्डर कर देता है, तो उसको इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल गिरफ्तार नहीं कर पाएगा. उसको गिरफ्तार करने के लिए कहां से आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से ही आएंगे. तो ये आपके पास में इस चीज के लिए इम्यूनिटी उनको मिलता है, तो इस चीज से उस चीज को हटा लिया जाएगा, उसको उस इम्यूनिटी को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है. एज अ रिजल्ट बहुत सारे एड मिलते हैं इनको, बहुत सारा फोकट का चीजा मिलते हैं इधर, ठीक है. एज अ रिजल्ट कनाडाज फॉरेन मिनिस्ट्री फ्लू आउट 41 ऑफ इट्स डिप्लोमेट. तो उन्होंने क्या कर दिए, उन्होंने अपने जो 41 डिप्लोमेट्स थे उनको बुला लिया, एंड देयर फैमिलीज, और उनकी फैमिलीज को वापस से बुला लिया. कॉलिंग इंडियाज डिमांड अ वायलेशन. और क्या बोल रहे हैं कि इंडिया ने क्या किया है, वायलेशन किया है. वायलेशन का मतलब होता है किसी का उल्लंघन करना. हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पर हम लोग वायलेशन का जो मतलब है, वायलेंस से नहीं लेंगे कि यहाँ पर उन्होंने हिंसा किया, नहीं, उन्होंने उल्लंघन किया है, या फिर हम लोग कह सकते हैं उन्होंने रिफ्यूज किया है उस चीज को मानने से, ठीक, उन्होंने रिफ्यूजल दिया है ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग द वियना कन्वेंशन. वियना कन्वेंशन का उन्होंने हवाला देते हुए कहा है कि ये वियना कन्वेंशन के खिलाफ हो रहा है, उसके अपोजिट बात हो रही है. उसको जो वियना कन्वेंशन बना हुआ है उसको क्या कर रहा है, इंडिया अपोज कर रहा है. बट ऐसा नहीं है, सच में इंडिया हर चीज की लिमिट को के अकॉर्डिंग काम कर रहा है. क्यों? क्योंकि उन्होंने भी साफ साफ उसका आंसर कर दिया. तो इंडिया के जो MEA है उन्होंने बोल दिया हैज रिट्रोटेड. रिट्रोटेड का मतलब क्या होगा पहले वो देख लेते हैं अपन, ठीक है, वो जरूरी है भैया, ठीक है. किधर गया रे, ये रहा रिट्रोटेड. रिट्रोटेड की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो भैया इधर क्या बोल रहे हैं, वो आंसर करने का बोल रहे हैं, ठीक है, कि रिट्रोटेड का मतलब होता है किसी का आंसर. तो उन्होंने आंसर में उसका जो रिप्लाई है वो क्या दिया है, ठीक है, जो रिप्लाई, रिप्लाई जानते हैं ना भाई, ठीक है, नहीं जानते वो ऐसे चैटिंग वेटिंग करते होंगे ना, तो चैटिंग वेटिंग में आता है ना, ठीक है, उधर से मैसेज आ रहा, फिर आप इधर से भी मैसेज करोगे, उसने पूछा खाना खाया, आप बोलोगे हाँ खा लिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, रिप्लाई तो हुआ ना,
नहीं हुआ क्या, ठीक है, तो आप उसी से क्या कर रहे हो, रिस्पोंड कर रहे हो, आंसर कर रहे हो, शॉट बैक कर रहे हो, काउंटर अटैक हो गया, एक तरीके का क्विप हो गया, रिजॉइन हो गया। अब ये काउंटर अटैक यहाँ पर हमले के लिए नहीं यूज करेंगे, कहीं पर एक सेंस के अकॉर्डिंग चाहें तो हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑपोजिट क्या होगा, किसी बात पे आप क्या कर रहे हो, एग्री कर रहे हो, हाँ भर रहे हो, एसेंटेड हो रहे हो, रिलेंटेड हो रहे हो, यील्ड कर रहे हो, यील्ड मतलब आप एग्री होते हो उस चीज से असल में, ठीक है। एक्यूस्केड वहां पर हो रहे हो, कंप्लाइड हो रहे हो, कंसीडेड आप वहां पर दिखा रहे हो खुद को, तो वो चीज आपके पास रिजोटेड है। तो आंसर क्या है, एज मतलब एज एन आंसर हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने क्या बोला, आवाज लेते हैं। तो जो इंडिया का MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने इस बात का रिप्लाई किया है, हम लोग यहां पर बोल देंगे कि रिप्लाई किया है, दैट द कन्वेंशन आर्टिकल 11.1, देखो भैया असली खेल तो इधर खेल गए वो, क्या बोले वो, ये तो इंडिया का जो MEA है उन्होंने बोल दिया कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, वो जो कन्वेंशन का आप बात कर रहे हो तो उस आर्टिकल का ही, उसका जो आर्टिकल 11.1 है उस वो चीज हमें ऑथराइज करता है, उससे हमें अथॉरिटी मिलती है कि आप जो इंडिया, ठीक है, रिक्वायर्ड देट द साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ अ मिशन, जितने भी वहां पर लोग बाग आए हैं, पीपल आए हैं, ठीक है, वो किस में रख सकते हो, विद इन लिमिट्स, आप उसको लिमिट में रख सकते हो, अपने हिसाब से वो आप सेट कर सकते हो, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, वो हमारे हिसाब से चलेगा, हम चाहें तो उसको सेट कर सकते हैं, ये आप नहीं बताओगे हमें कि यहाँ पर कितने डिप्लोमेट्स रहेंगे, जितने हम चाहेंगे उतने रहेंगे, जितने नहीं चाहेंगे वो नहीं रहेंगे, ये सिंपली उन्होंने बोल दिया। तो भैया जयशंकर अभी आपके पास में फॉरेन मिनिस्टर है, खतरनाक आदमी है भाई, ठीक है, तगड़ा आदमी है वो, ठीक है, अगर आप लोग का रहा तो मैं उनकी एक बायोग्राफी पूरा लेके आने का सोच रहा था, बट ठीक है, कभी देखते हैं। कनाडा हैज ऑल्सो कन्वेड दैट विद स्टाफिंग शॉर्टेज, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास में स्टाफ का शॉर्टेज है, बहुत ज्यादा दिक्कत आता है उसकी वजह से, कॉन्सुलेट इन पर्सन, अब यहां देखिए कॉन्सुलेट का मतलब क्या होता है, अब जरा देखें, कॉन्सुलेट, कॉन्सुलेट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो आपका का जो कोई दूतावास होता है, दूतावास मतलब द बिल्डिंग वेर अ कॉन्सुल वर्क, कॉन्सुल की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो आपका कहीं पर एक कंट्री है, उस कंट्री का दूसरे देश में अगर कोई बिल्डिंग होता है जिसमें वहाँ उस कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बैठे रहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं दूतावास, ठीक है, वहाँ का उनका एम्बेसी होता है, मिशन होता है, लेगेशन होता है, डेलीगेशन होता है इसमें सच में, या फिर हम लोग कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ पर बैठते हैं, फॉरेन सर्विस ऑफिस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सुलेट, ठीक है। और ऑपोजिट क्या होगा, आप किसी दूसरे के देश में जाके वहां पर रह रहे हो, अपना घर बना के वहां पर रह रहे हो, ठीक है, रेफ्यूजी की तरह, तो ऑपोजिट क्या हुआ, आप अपने घर चले जाओ, नेटिव लैंड आपका होगा, होमलैंड होगा, होम कंट्री ओरिजिन जहां से आप आए हो, नेटिव सोइल, बर्थ प्लेस या फिर नेटिव प्लेस, ठीक है, सब उसी का ऑपोजिट हो जाएगा कॉन्सुलेट का, तो कॉन्सुलेट मतलब हो जाएगा दूतावास। अब हमको यहां से इसको यूज करना है कि आपके पास में दूतावास है, तो वो बोल रहे हैं कि जो हमारा जो कॉन्सुलेट है, दूतावास है, उसमें स्टाफ का शॉर्टेज हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, वीजा सर्विसेज वुड नो लॉन्गर बी प्रोवाइडेड, और क्या कह रहे हैं कि इसकी वजह से क्या होगा कि हम भी हमारे देश में जो वीजा सर्विसेज इंडिया के लोगों को देते हैं वो प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। द कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर हैड एडेड दैट इंडियाज मूव्स वुड नॉट डिटर कैनेडाज प्रोसिक्यूशन इन द निजार केस। अब सबसे पहले इस सेंटेंस का मीनिंग समझना है अपने को, तो दो वर्ड का मीनिंग चाहिए होगा, एक तो डिटर का, एक प्रोसिक्यूशन का। प्रोसिक्यूशन की अगर हम लोग बात करना चाहें तो इसका मतलब होता है किसी के ऊपर हम लोग एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है, ये आपके पास बहुत बार यूज हुआ है। डिटर वर्ड का हम लोग मीनिंग समझेंगे, ठीक है, कि डिटर वर्ड का मीनिंग क्या हम लोग कन्वे करेंगे इधर। अब देखिए डिटर का मतलब होता है किसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, साफ साफ मना कर देते हैं, तो उसको हम लोग यूज करते हैं रिफ्यूज करना, ठीक है, किसको हम लोग रोक देते हैं, हिंडर कर देते हैं, डिजर्व करते हैं, डिस्करेज कर देते हैं, फॉरबिड कर देते हैं, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं उस चीज को हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं बेटा, ठीक है, ये भी हम लोग उसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक। अपोजिट, अपोजिट के लिए क्या कर रहे हो, हाँ कर रहे हो, एक्सेप्टेंस दिखा रहे हो, अपना स्पर कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, तो या फिर अलाउ कर रहे हो, सबसे मेन चीज़ अलाउ करना, ठीक है, प्रमोट कर रहे हो उस चीज़ को, तो ये ऑपोजिट हो जाएंगे और सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। हाँ यारे, तो क्या बोल रहे हैं, दैट इंडियाज मूव वुड नॉट डिटर
कनाडाज प्रोसिक्यूशन इन निजार केस. अब उनका जो मिनिस्टर है वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया कनाडा के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं इंडिया के ऊपर निजार केस को लेकर, वो उससे वुड नॉट डिटर, उसकी हम लोग मनाही नहीं करेंगे, ठीक है, उसकी मनाही बिल्कुल नहीं हो पाएगी, ये उनका कहना है. ठीक है, कितना बेशरम लोग है इधर कनाडा में. ठीक है, द डेवलपमेंट्स इंडिकेट दैट इफ देयर हैड बीन एनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू डिफ्यूज द सिचुएशन इन द पास्ट, दे हैव बीन फ्रूटलेस. अगर ऐसा कुछ पास्ट में रहा होगा तो कोई मतलब नहीं रहा उसका, अब सब बेकार हो गया, वो फ्रूटलेस हो गया. अपार्ट फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट, मोदी ट्रूडो एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग्स दैट हैड डिस्कस्ड द निजार केस, उन लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला, वो सब कुछ फ्रूटलेस था, बिना मतलब का था, क्योंकि उस चीज का रिजल्ट कोई निकल के आया ही नहीं. जब रिजल्ट नहीं निकला इसका मतलब वो सब फ्रूटलेस था. ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैड रिपोर्टेडली मेट कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जोली. ठीक है, कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर थे मेलेनी जोली, उनसे वो मिले, उनका बात भी हुआ. ठीक है, इन द यूएस, कहाँ पर मिले वो दोनों, एक दूसरे के कंट्री में नहीं गए, वो यूएस में मिले, जब वहाँ पर यूएन जनरल असेंबली का मीटिंग हो रहा था उसमें मिले. तो साइडलाइंस ऑफ द यूएन जनरल असेंबली, नन ऑफ दोज, उन दोनों में से कोई भी नहीं, दोज मतलब, अब यहाँ पर आपके पास में दोज प्लूरल नंबर होता है, तो प्लूरल नंबर में अब इन्होंने यहाँ पर बात किया है, एक तो दोनों ही देशों का बात किया है इन्होंने, दोनों देशों का जो रिप्रेजेंटेटिव है कनाडा का और इंडिया का, दोनों देशों का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी बात कर रहे हैं. नन ऑफ दोज अपीयर्स टू हैव टर्न्ड द ट्रेजेक्टरी ऑफ इवेंट्स. ट्रेजेक्टरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ट्रेजेक्टरी, अब आओ समझें इसका, क्योंकि इसको समझेंगे तब तो हम लोग सेंटेंस में आगे बढ़ पाएंगे या फिर उस पूरी सिनेरियो को आगे समझ पाएंगे. आओ जरा देखें, अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, ट्रेजेक्टरी, द कर्व्ड पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन फायर्ड, हिट और थ्रोन इनटू द एयर, मतलब वो बातों को जो कर रहे थे वो गोल गोल घुमा घुमा के कर रहे थे, उस चीज का जो हम लोग पाथ थे मतलब उस चीज का जो रास्ता था उसकी हम लोग बात नहीं करके, उस रास्ते पे नहीं जाके इधर उधर जा रहे थे वो. ठीक है, तो अब यहाँ पर ट्रेजेक्टरी मतलब हम लोग ये कह सकते हैं उस चीज का पाथ, रास्ता. ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आपने वहीं आप वहीं पर होल्ड हो रखे हो, खड़े हुए हो, स्टिल हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल देंगे कि आपके पास ऑपोजिट होगा किसका, ट्रेजेक्टरी का. ठीक है भैया, आओ समझे, अब ये ट्रेजेक्टरी को ध्यान रखना आप लोग. ठीक है, ट्रेजेक्टरी का मतलब हम लोग यहां पर क्या रहे हैं, पाथ या रास्ता. ठीक, अब यहां पर देखिएगा, नन ऑफ दोस अपीयर्स टू हैव टर्न्ड द ट्रेजेक्टरी ऑफ इवेंट्स, दैट मींस क्या कह रहे हैं, उस वे की बात हो रही है या फिर पाथ की बात हो रही है, जो इवेंट्स हुए थे, जो घटना अभी हुई थी निजार को लेकर. ठीक है, जो हरदीप निजार जिनकी बात हो रही है कि जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट थे उनको लेकर, उस बारे में किसी ने बात नहीं किया, उस रास्ते पे कोई गया ही नहीं, मतलब वहां से घूम गए वो लोग. ठीक, अटेम्प्ट्स बाय कनाडाज फाइव आईज, और उसके ऊपर साथ में ये भी कह रहे हैं, सॉरी फॉर दिस, आज ऐसा लग रहा है तबीयत थोड़ा खराब हो जाएगा, कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है इस चीज का कि हाँ आज तबीयत खराब होएगा, हो सकता है कल परसों का क्लास हो भी नहीं पाए. पानी पीने के बाद बढ़िया लगता है. ठीक है, H2O, आज क्लास में किसी ने बोला था सर H2O पी लो, मैंने कहा पीऊंगा, ये ले H2O पी लिया मैंने. ठीक है, अब चलो देखिए, दोस अपीयर्स टू हैव टर्न द ट्रेजेक्टरी ऑफ इवेंट्स, अटेम्प्ट्स by Canada's five eyes allies to mediate have not worked either. क्या बोल रहे हैं कि जो कनाडा है उनका एक एलिगेशन था, उन्होंने ये कहा था कि जो फाइव आईज थी उन्होंने हमें इस बारे में बताया था, ये बात मैंने थोड़ा पहले भी पढ़ी थी कि फाइव आईज का एक ग्रुप है, कंट्रीज का एक स्पाई यूनिवर्स क्रिएट कर रखा उन्होंने अलग से ही. ठीक है, तो उन्होंने हमें बताया था कि ऐसा कुछ हुआ है, allies to mediate, और उन्होंने कहा था कि आप लोग इस चीज में मीडिएट करो, पर उन्होंने उनमें से किसी ने इस काम को नहीं किया, सबने मना कर दिया. वेल द एलाइज हैव सपोर्टेड कनाडाज क्लेम्स, और जो एलाइज थे, जितने भी वो फाइव आईज के एलाइज थे, उन्होंने इस बात में कनाडा का क्लेम को सपोर्ट किया है. दे हैव ऑल्सो शोड अप, अब यहाँ पर एक वर्ड आपके पास में आया, शोड अप, वापस से एक फ्रेजल वर्ब है, शोड अप आपके पास में एक फ्रेजल वर्ब है, देखो इसका मीनिंग क्या कन्वे किया वो देख लीजिए. Showed up, that means
टू सपोर्ट, किस चीज को हम लोग सपोर्ट करते हैं समथिंग, और कीप फ्रॉम फॉलिंग बाय प्लेसिंग समथिंग अंडर और अगेंस्ट इट. ठीक है, किसी के भी अगेंस्ट कोई चीज हो रही तो उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो शॉर्ट ऑफ ध्यान रखना, किसी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं. तो दे हैव ऑल्सो शोड अप, शोड मतलब, शोड अप मतलब आप क्या कर रहे हो बेटा, उधर हेल्प कर रहे हो, या फिर हम लोग कह सकते हैं सपोर्ट कर रहे हो, दो वर्ड आपके पास में हो जाएगा. ठीक है, देयर टाइज विद इंडिया. ठीक है, ये भी कह रहे हैं वो इंडिया के, कनाडा का जो क्लेम, जो इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे कनाडा, उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ के साथ में वो क्या कर रहे हैं, वो इंडिया के टाइज को भी खराब नहीं कर रहे, मतलब इंडिया के, इंडिया के साथ भी अपने रिलेशन खराब नहीं कर रहे, सब चल रहा है. विथ पॉसिबल विजिट्स बाय द ब्रिटिश, यूएस एंड ऑस्ट्रेलियन लीडर्स दैट विल अश्योर न्यू दिल्ली. ठीक है, कोई भी इस चीज़ को लेकर बता ही नहीं रहा आगे चल क्या रहा है. विथ डिप्लोमेटिक ऑप्शंस एग्जॉस्टेड फॉर नाउ, अभी फिलहाल के लिए जो डिप्लोमेटिक ऑप्शन थे, जितने भी दो कंट्रीज के बीच में जो बिहेवियर होता है और बातचीत का जो रास्ता होता है, वो तो अभी नज़र आ नहीं रहा है, वो तो एग्जॉस्टेड, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि उनका तो एंड हो चुका है. ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं खाली हो चुके हैं उससे. तो इट इज़ होप्ड अ पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन विल ब्रिंग फ्रेश काउंसिल. क्या कह रहे हैं कि आगे चल के हो सकता है, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि समय के साथ में इसमें रिफ्लेक्शन आएगा और कुछ नए जो काउंसिल होंगे वो इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे. ऑन हाउ टू ब्रेक द लॉग जैम. लॉग जैम मतलब हम लोग ये कह सकते हैं जो बैरियर बन चुका है, जो होल्ड लग चुका है, उसको ठीक करने में वो काम करेंगे. ठीक है, टिल देन स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टूरिस्ट हैं और बिजनेस पर्सन हैं, विल सफर. तब तक के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा, उनको परेशान होना पड़ेगा, उनको दिक्कत आएगा. ठीक है, उनको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा. ठीक है, सफ़र मतलब प्रॉब्लम को फेस करना, किसी चीज़ को का दिक्कत होता है. ठीक है भैया, ये आपके पास में इसका पूरा एक समरी था. अब देखिएगा, इस चीज़ को लेकर मेरा जो कंक्लूजन है सिर्फ इतना ही है कि कहीं पर भी अगर आप डिप्लोमेटिक वे में चल रहे हो, तो उसमें आप ये बोलते हो ना कि हम किसी का साइड नहीं लेंगे, हमें डिप्लोमेटिक रहना है, इसको भी सपोर्ट करना है, इसको भी सपोर्ट करना है, कंट्रीज सभी ऐसा ही करता है. लेकिन उस जगह एटलीस्ट आप एलिगेशन लगाने से पहले उस चीज़ के फैक्ट चेक कर लो कि हाँ क्या है क्या नहीं है, ये सारी बातें आपके पास होनी चाहिए. विदाउट प्रूफ अगर आप कोई बात कह रहे हो, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपने खुद के टर्म्स खराब कर रहे हो सामने वाले से. मान लीजिए मैं हूँ, मैं किसी भी पर्टिकुलर टीचर के ऊपर कुछ बोल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो विदाउट प्रूफ अगर मैं बोल रहा हूँ तो गलत है ना, वो चीज़ अच्छी तो नहीं है. विद प्रूफ अगर मैं बात करूँ, और किसी को क्यों डिफेम करना उस चीज़ को लेके, आपस में बात करो, इंटरनल मैटर होते हैं कुछ, तो उनको आपस में लेके ही सोल्व करना चाहिए. दुनिया में सबके सामने ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ये चीप पब्लिसिटी स्टंट होते हैं, मेरा ख्याल यही है इस चीज़ को लेके. तो आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखें. अभी जो चीज़ें चल रही होती है अपने इंडिया में, तो वैसे भी फोकट का हवा बनाने का एक अलग ही स्वेग चला हुआ है. चलिएगा, इसके अलावा हम लोग और कौन कौन से वर्ड की बात करें. हाँ, फ्रेजल वर्ब कुछ और भी आया था. देखो, शोड अप आपके पास था, तो इसका मतलब होता है सिंपली सपोर्ट करना. ध्यान रखिएगा, शोड अप सपोर्ट करना, शोड अप सपोर्ट करना, शोड अप सपोर्ट करना, शोड अप सपोर्ट करना, ध्यान रखना इसको, भूलना नहीं. और कौन सा वर्ड था, हॉबल्ड. हॉबल्ड की अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं, तो कोई ऐसा होता है जो लड़खड़ाता चल रहा है, यानी कि उसको चलने में डिफिकल्टी हो रहा है, परेशानी हो रहा है, इसके पैर में, फीट या लेग जो है वो हर्ट हो रखे हैं, लिम्प्ड हो रखे हैं. जैसे कि ये भाई साहब है, अब इनको ये बांधा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अब ये कैसे चलेंगे, हॉबल्ड वे में चलेंगे. ठीक है, ठीक, इन हॉबल्ड वे, इन ए वे जो हॉबल्ड होगा, तरीका ऐसा होगा, खतरनाक होगा, लिम्प्ड होगा, जिनको उनको सफल होना पड़ेगा, बार बार लर्च होना पड़ेगा, लैम्प होना पड़ेगा, हिंडर्ड होना, परेशानी आएगा उनको, बार बार डिले होंगे इससे वो. तो ये आपके पास सिमिलर वर्ड थे. ऑपोजिट देखना चाहे, मार्च कर जाएंगे, दौड़ जाएंगे फटाफट से, ग्लव्ड हो जाएंगे, रस्ट हो जाएंगे फटाफट से, तेजी से, और यहीं से स्पीड भी आ जाएगा. ठीक, तो ये सिमिलर वर्ड थे इसके. और वर्ड है अपने पास, हाँ, और वर्ड है पैरिटी. पैरिटी मतलब हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं. पैरिटी मतलब होता है आप चीज़ों में इक्वालिटी में बिलीव करते हो. जैसे कि ये देखो, आप इक्वल सिमेट्री में है प्रॉपर. ठीक है, द स्टेट ऑफ बींग इक्वल, स्पेशली द स्टेट ऑफ हैविंग इक्वल पे पोजिशन, जिनका इक्वल पोजिशन होता है. ठीक है, इक्वलिटी, यही सिमेट्री के लिए भी हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, सिमेट्रिकल, इक्वल. ठीक है, असिमेट्रिकल और अनइक्वल हम लोग ये कह सकते हैं. इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी आपके पास हो गया, इम्बेलेंस हो गया, डिसिमिलरिटी आपके पास में हो गया है, डिफरेंस हो गया, इनइक्वालिटी वहाँ पर हो रहा है. ठीक है, तो वहाँ पर आपके पास वर्ड हुआ इक्वलिटी,
इक्विवेलेंस आपके पास में हो गया, सेमनेस हुआ, यूनिफॉर्मिटी आपके पास बैलेंस हो गया, कॉरेस्पॉन्डेंस, आइडेंटिकलनेस, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल जो वर्ड आपके पास निकल के आता है उसका मतलब भी सेम ही होता है, ठीक है, इक्वल, ये अपोजिट, ये सिमिलर वर्ड थे, इसके अपोजिट आपके पास में ये हो जाएंगे। द नेक्स्ट वर्ड पॉजिटेड। अच्छा, पॉजिटेड से पहले एक वर्ड आपको बता दूं मैं, कहीं पर अगर आपके पास में ये वर्ड आता है पैरी, पैरी का मतलब होता है चीजों को अवॉइड करना, ठीक है, अवॉइड करना, पैरी मतलब अवॉइड करना, ठीक है, पी ए डबल आर वाई, अगर वर्ड आता है इसका मतलब होता है चीजों को अवॉइड कर रहे हो आप लोग, ठीक है बेटा, तो पैरी हो गया। उसके बाद आगे चले पॉजिटेड, पॉजिटिव मतलब आप किसी बात को क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, कुछ हद तक हम लोग कह सकते हैं अलाउ कर रहे हो, तो वो भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, पुट फॉरवर्ड और एज फैक्ट और एज बेसिस ऑफ बेसिस फॉर आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वो चीज को आप ऑफर कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, प्रपोज कर रहे हो, या फिर हाइपोथेटिकली वहां पर आप बोल रहे हो, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव कर रहे हो। ऑपोजिट, आपने एक्सेप्ट नहीं करके उसको क्या किया है, रिप्यूट किया है, रिजेक्ट किया है, डिस्प्यूट हुआ है उस पर, दिक्कत हुआ है, डिनाई किया है, तो वो आपके पास में ऑपोजिट हो जाएगा, सारे के सारे उसके लिए ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे। डन, और कोई वर्ड, इज देयर एनी वर्ड, या इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब चीज़ों को हम लोग मिला के कर रहे हैं, तो ये आपके पास में, ये लास्ट वर्ड था, ये इतना खतरनाक वर्ड नहीं है, आप कोई चीज़ को इंक्लूड करके कोई काम कर रहे हो तो उससे हम लोग बोलते हैं कि वो इंक्लूसिव वे में होता है। ऑपोजिट एक्सक्लूसिव, अलग से कर रहे हो, सब अलग अलग चल रहा है, आउट चल रहा है एक दूसरे से, ठीक है, लिमिटेड ही लोग वहाँ पर है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो अपोजिट होगा किसका, इंक्लूसिव का, ठीक है भैया, आपके पास में इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, ठीक है भैया, तो आज की हमारे इस सेशन में इतने ही वर्ड होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलते हैं, टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय, और प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।